उमंगा, आज का एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है और एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। आज उस जगह अनुपमा की जगह काव्या खड़ी है, तो काव्या की जगह अनुपमा। भाई जैसा करना वैसा भरना, ऐसी कुछ सिचुएशन काव्या के सामने होगी। और वनराज और अनुपमा एक साथ होंगे उसी कमरे में, उसी बेड पर, जिसके बाद ने काव्या को होश उड़ जाते हैं। और काव्या को अब सिचुएशन अनुपमा की समझ आती है कि उस दिन उसे कैसा लगा था। अब यहाँ पर दिखाया जाएगा कि वनराज अनुपमा को संभालते हुए नजर आएगा और अनुपमा यहाँ पर नशे में होगी और यहाँ पर काव्या भड़कते हुए नजर आती है, लेकिन वनराज उसको भगा देता है। उसके बाद यहाँ पर अनुपमा को वो संभालता है और अनुपमा काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और वो नशे में ही नींद में ही बातें कर रही होती है और वनराज को कहती है कि आपसे जितना मैंने प्यार किया है, जिस तरह से कृष्णा और राधा में प्यार था, यानी राधा ने जितना कृष्णा से प्यार किया था, मैंने उतना प्यार आपसे किया है और मुझसे ज़्यादा प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता। और जिसके बदले मुझे क्या मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। और वो स्माइल करते हुए और मुस्कुराते हुए, रोते हुए जैसे हमेशा कहती है, वैसे ही कहते हुए नजर आती है, लेकिन उसे कोई होश नहीं है। और इसके बाद ने वनराज की आंखों में भी ये सिचुएशन देखकर आंसू आ जाते कि अनुपमा के साथ उसने कितना गलत किया है। उसके बाद ने दिखाया जाएगा कि वनराज फिर से काव्या से मिलता है और इसके बाद ने यहाँ पर वनराज से काव्या कुछ कहते हुए नजर आती है और अनुपमा के लिए भड़काते हुए नजर आती है, लेकिन वनराज उसे ही डांट देता है और कह देता है कि तुम्हें पता है आज उसी सिचुएशन पे तुम हो जिस सिचुएशन पर पहले अनुपमा थी। अनुपमा ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है और मैंने उसको इसके बदले में क्या दिया। और यहाँ पर अनुपमा का ही पक्ष लेते हुए नजर आता है, जिससे कि काव्या को डर लगने लगा है कि अब तो ये वनराज भी अनुपमा अनुपमा करने लगा है, जिससे कि उसे घिन आती थी, आज उसे प्यार करने लगा है। अब तो कुछ सिचुएशन को संभालना ही पड़ेगा और अब कुछ करना ही पड़ेगा ताकि वनराज के दिल में अनुपमा के लिए प्यार ना जागे। इसलिए काव्या अब बहुत ही बड़ी प्लानिंग करने के फिराक में होगी ताकि वो वनराज को हमेशा के लिए घर वालों से दूर कर दे और अनुपमा को धक्के देकर घर से निकलवा दे। इसीलिए यहाँ पर काव्या एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ में शो में नजर आने वाली है। वहीं यहाँ पर अनुपमा को फिर से हो जब भी नशे से उतरेगा और उसके बाद ने वनराज से वो वापस गलती की माफ़ी मांगी करके, पता नहीं मैंने नशे में क्या क्या कुछ कह दिया, लेकिन वनराज यहाँ पर उसकी सिचुएशन समझ जाता है और इस बात को संभाल लेता है। अब देखना है कि काव्या कितना नेगेटिव प्लान लेकर आती है। कल आने वाला एपिसोड अब और ज़्यादा धमाकेदार होंगे, जहाँ पर वनराज ही ढाल बनकर खड़ा होगा अनुपमा के साथ, लेकिन अब काव्या की चाल कुछ ऐसी होगी जिसमें हमेशा वनराज फंस जाता है। तो इस बार क्या होगा, आपकी क्या राय इसके बारे में, किस बार भी काव्या के प्लान में वनराज फंस जाएगा या फिर अनुपमा के साथ खड़े नजर आएंगे, आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट के लिए।